हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति अकेडमी में। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, 12 बजे जो है साइट पर अपलोड हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जीप 2021 में एग्ज़ाम दिया था, चाहे आप पी ग्रुप के हों, ई ग्रुप के हों, ए ग्रुप के हों, आप सभी लोग जो है अपना रैंक कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं UBTR की साइट पर जाकर। तो स्टूडेंट्स, आपकी क्वेरीज आ रही हैं कि रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और फिर इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि आपको कितनी रैंक पर कॉलेज मिलेगा। अब आपको कितनी रैंक पर कॉलेज मिलेगा, आप सभी स्टूडेंट अपनी रैंक जो है, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ये सभी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और फिर हम देखिए एक एनालाइज वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आपके नाम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये वाली ब्रांच मिलेगी। आपको कमेंट में भी हम यूट्यूब में कमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से आपको अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और उसमें आप UBTR को सर्च कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या खोल लिया है, जीप के यहाँ पर UBTR.in आप क्लिक करेंगे क्रोम ब्राउज़र में, आपको इस तरीके का पेज ओपन मिलेगा। आपको जहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड जीप एडमिट कार्ड, यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया स्टूडेंट, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, डाउनलोड रैंक कार्ड न्यू, इसमें आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट, आपको देखिए ये आपका रैंक कार्ड आ गया। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है स्टूडेंट। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एंटर जीप रोल नंबर में अपना रोल नंबर डालेंगे और शो पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपको देखिए इस तरीके का एडमिट कार्ड जो है वो शो होगा और इसको आप प्रिंट करा लेंगे। इसमें देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपकी फ़ोटोग्राफ हो गई, कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, जेंडर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है, आप कौन से ग्रुप से हैं और आपकी कितनी रैंक आई है। क्योंकि अब आपकी डिपेंड करती है, आपको कॉलेज ब्रांच जो मिलेगी वो आपको रैंक के अनुसार आपकी मिलेगी। तो आप समझ गए हैं कि कैसे आपको रिजल्ट जो है अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना है, फिर आप इसको प्रिंट करा लें। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपका रैंक कार्ड दिखेगा वास्तव में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको इस तरीके से अपने यहाँ पर फ़ोटो, रोल नंबर, कैटेगरी, ये सब आपकी जो रैंक है ये सब आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। और यही आपका जीप का रैंक कार्ड है, फिर आप इसको प्रिंट करा लें। तो आप समझ गए हैं किस तरीके से आपको अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना है, फिर इसको आपको प्रिंट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो आपके क्वेरीज जो दिमाग में आ रही है वो क्या क्वेरीज हैं, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। अब आप लोगों की क्वेरीज आ रही होंगी कि देखिए मुझे इतनी रैंक मिल गई। आप मानिए किसी को देखिए 1026 जैसे रैंक मिली है, आप मानिए जैसे स्टूडेंट किसी को 1026 यहाँ पर रैंक मिली है ई ग्रुप में। अब वो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अब हमें 1026 रैंक तो मिल गई, अब हमें देखिए कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी हमें ब्रांच चाहिए, आप ये सब सोच रहे हैं। तो आप ये कमेंट करें, फिर हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे। देखिए वीडियो का एनालिसिस हम यहाँ पर लेकर आएंगे कि देखिए आपको इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। आप देखिए क्योंकि सारा जो खेल है वो रैंक का है, अगर अच्छी रैंक तो अच्छी ब्रांच। आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी कितनी रैंक आई है। अगर देखिए स्टूडेंट आपकी 3000 के नीचे भी रैंक आई है, 3000 3500 तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आसानी से। तो आप ई ग्रुप के हों, पी ग्रुप के हों, ए ग्रुप के हों, आप अपना हमें क्या बता दें स्टूडेंट, आप हमें अपना यहाँ पर टेलीग्राम पर भी और यहाँ पर यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। हम आपको यहाँ पर कमेंट करेंगे और फिर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ब्रांच मिलेगी, इसका देखिए हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कॉलेज, ब्रांच, आपको कौन सी यहाँ पर चाहिए, ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अब आप समझ गए हैं कि रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है एनालिसिस के लिए। क्योंकि देखिए एनालिसिस देखिए हम तभी कर पाएंगे जब आप स्टूडेंट अपना जो है रैंक हमें बताएंगे। फिर उस रैंक पर देखिए जो स्टूडेंट त्रिशक्ति अकेडमी से पढ़े हैं वो स्टूडेंट भी यहाँ पर अपना रैंक शेयर करें, हम आपका देखिए जो नेम है वो टॉप रैंक होल्डर में अपने चैनल में लगाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करें, वो भी इन्फॉर्मेशन आप हमें सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप समझ गए हैं एनालिसिस के लिए आपको अपनी रैंक आपको बतानी है, जो कॉलेज आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कि सर मुझे जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल चाहिए, तो क्या मुझे इस रैंक में मिल जाएगी ये ब्रांच, तो ये आप बताएंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपको बतानी है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें इस वीडियो से रिलेटेड और ज़रूर इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, और आप अपना रिजल्ट अच्छे से चेक करें। आई होप आपकी देखिए अच्छी से अच्छी रैंक आई होगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर स्टूडेंट आप अपनी रैंक भेज सकते हैं हमें कि सर मुझे इतनी रैंक मिली, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा। आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, मैं आपको पर्सनली देखिए हर स्टूडेंट को मैं आपको कमेंट करूँगा।
जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी यहाँ पर कमेंट आएंगे, उनका जवाब आपको 100% स्टूडेंट मिलने वाला है विद गारंटी। और जो स्टूडेंट्स त्रिशक्ति अकेडमी से जिन्होंने तैयारी की है, अगर देखिए उनकी बहुत अच्छी जितनी भी उनकी रैंक आई है, हम उनको देखिए यहाँ पर लीडर बोर्ड में लेकर आने वाले हैं कि ये स्टूडेंट देखिए हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर इनकी अच्छी रैंक आई है, तो आप अपनी रैंक बता सकते हैं विद नेम आप बता देना, हम आपको यहाँ पर जो है पूरे यूट्यूब पर आपका जो है अपने चैनल से नाम अनाउंस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब एनालिसिस के लिए आप शाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शाम तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उस बेसिस पर, उस डाटा के बेसिस पर स्टूडेंट हम एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।